हर मुल्क में जेवरात खवातीन की कमजोरी रहे हैं। अगर जेवरात सकाफती हों तो खवातीन इनकी खरीदारी पर हजारों रुपए भी खर्च कर देती हैं। दौरे जदीद में चांदी और ग्लिट के बने पश्तून सकाफती जेवरात खवातीन में बेहद मकबूल हैं। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्योहार, खवातीन पश्तून सकाफत से जुड़ी नजर आती हैं। काम के सिलसिले में आए थे क्वेटा, बट अब हम ज्वेलरी देखिए यहाँ पे और बहुत डिफरेंट है और बहुत कलरफुल है। हमेशा कोशिश करती हूँ कोई यूनिक सी चीज ढूंढूं या इस तरह, तो यहाँ पे काफी इस तरह की चीजें जो आपको शायद लाहौर में ना मिले। क्वेटा के बाजारों में 70 साल पुराने पश्तून सकाफती जेवरात फरोख्त हो रहे हैं। इन जेवरात में पाउली, गुलुबन, तावीज, सेहरा, हसली, कड़े और अंगूठियाँ बेहद पसंद की जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि पश्तून सकाफती जेवरात की मांग बैरूने मुल्क में भी है। फॉरेनर के लिए ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंट, एक यूनिक आइटम है जो उनके इलाके में या उनके मुल्कों में ये चीज़ें नहीं बनती है, तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। नादिर और नायाब जेवरात की खास बात ये है कि इनकी चमक खत्म होने पर अगर इन्हें पॉलिश करवा लिया जाए तो इनकी चमक धमक फिर से लौट आती है। वक्त बदलने के साथ पश्तून सकाफती जेवरात की मांग में इजाफा हो रहा है, जो इस बात का वाज़ह सबूत है कि सकाफत से मोहब्बत करने वाले अफराद किसी दौर में भी इन चीज़ों को फरामोश नहीं कर सकते। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, क्वेटा।